गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ भानु प्रताप सिंह। आई वेलकम यू ऑल इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। बच्चों, एक समस्या ये थी कि जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था, जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट, साउंड क्वालिटी इम्प्रूव न होने की वजह से हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ना। तो चलिए, साउंड क्वालिटी इम्प्रूव नहीं थी इसके पहले, बट द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व नाउ एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम शुरू से इस चीज़ को, इस यूनिट को, इस चैप्टर को शुरू करेंगे और देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का जो भी आपका पार्ट था, क्या क्या हमने पढ़ा, टोटल 5 लेक्चर्स में बने थे, वो 5 लेक्चर्स को आज हम मेगा क्लास में पूरा कवर करेंगे। मेगा क्लास का मतलब ये कि जो भी हमने पढ़ाया था, साउंड क्वालिटी इम्प्रूव नहीं थी, उसकी वजह से हमें जो भी दिक्कतें आई उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। मतलब जो हमने पढ़ाया ऑटोमोबाइल में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट, उसको हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितने लेक्चर्स में हो सकता है। मे बी कोशिश तो करना है एक ही लेक्चर्स में हो जाए, लेकिन दिक्कतें आएंगी। एक लेक्चर्स लगातार कंटिन्यू करना 3 घंटे का सही नहीं है। समस्याएँ आप लोगों को देखने में भी आएंगी, अपलोडिंग में भी आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए उस चीज़ को हम करते हैं, देखते हैं कितने पार्ट्स में हो सकता है। तो वहीं से, जहाँ से हमने शुरू किया था, वहीं से शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि टोटल 34 स्लाइड्स थे आप हमारे, हाँ ठीक है, 34 स्लाइड्स हैं। उस चीज़ को हम वन बाय वन देखते हैं। वन बाय वन देखने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पार्ट पर जाते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट ये कि हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या, इसका डेवलपमेंट क्या है, कब ये डेवलप हुई और कैसे इसका एडवांसमेंट आता गया, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती गई। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑटोमोबाइल और इसके डेवलपमेंट की बात करूं, व्हाट आर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, तो हम देखेंगे बच्चों कि ऑटोमोबाइल एंड इट्स डेवलपमेंट में तो पहले ये डेवलप हुआ था जर्मनी में 1885 में, जिसको कार्ल बेंज ने डेवलप किया था। उसके बाद आप बेसिकली 1769 में स्टीम कार बनी थी, जिसको जोसेफ कॉगनॉट ने बनाया था। गोटलैब और डैमलर ने, इनके साथ एक और थे मेबैक, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसको डैमलर बेंज कहे थे 1926 में। बाद में ये डैमलर बेंज ही मर्सिडीज बेंज के नाम से जाना जाने लगा। तो बाद में इसके डेवलपमेंट होते गए, जैसे 1927 में हेनरी फोर्ड ने क्या किया था, तो बड़े साइज़ के कार्स का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हेनरी फोर्ड ने बड़े साइज़ के कार्स का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और 1910 में जो हाइब्रिड ट्रक थी उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको करना, हाइब्रिड ट्रक को बनाना ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से शुरू कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री क्या है बेसिकली, तो ये हमारा फर्स्ट ऑटोमोबाइल है, फर्स्ट ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसको बनाया गया था। और बनाने के बाद इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं थी, दैट मीन्स कि ये 1 से 2 किलोमीटर के लिए ही कैपेबल था, क्योंकि ना तो हमारे पास तब कूलिंग सिस्टम थे, ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, कोई नहीं था, बेसिक सी चीज़ें थी। तो इसको 1860 के दशक में यूरोप में बनाया गया था, पहला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या पहला ऑटोमोबाइल व्हीकल्स 1860 के दशक में या 1860 में यूरोप में बनाया गया था। 1900 के आसपास जो कार्स का हमारा गेनिंग था, या रिलायबिलिटी कहूँ, वो मिली हमें। सारे कार्स की जो प्राइस है वो हेनरी फोर्ड ने बेटर आइडियाज़ दिया था, उस बात की बात कर रहा है ये, मास प्रोडक्शन में यूज होने लगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी हैं। जैसे मैं बात करूं बजाज ऑटो की, आपने सुना होगा बजाज ऑटो के बारे में। अगर मैं बात करूं अशोक लेलैंड जो हैवी मोटर व्हीकल्स बनाती है, अशोक लेलैंड जो 1948 में आज भी प्रेजेंट मीन्स आज भी अवेलेबल हैं,
आप चिनकारा मोटर्स देख सकते हैं, बजाज ऑटो देख सकते हैं, आइसर मोटर्स देख सकते हैं, फोर्स मोटर्स देख सकते हैं, हिंदुस्तान मोटर्स, आप ICML देख सकते हैं, बहुत सारे मोटर्स के डेवलपमेंट हुए, रेडेस देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो अब बहुत फैमिलियर है इसे, रेवा देख सकते हैं, प्रीमियम देख सकते हैं, तारा देख सकते हैं, टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स में ही अभी टाटा मोटर्स ने एक जगुआर की जो कंपनी है, जगुआर को हायर एक्वायर किया था, जगुआर मोटर्स को, ये उसी की सब्सिडरी है, जगुआर मोटर्स टाटा की ही, ये टाटा की जो जगुआर मोटर्स है टाटा की ही सब्सिडरी है ना बच्चों। चलिए ये जगुआर लैंड रोवर्स सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स। और व्हीकल फैक्ट्री, तो ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया में है। कुछ फॉरेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी हैं जैसे BMW, FCA, जीप इंडिया, फोर्ड इंडिया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैं कहूँ कि असेंबलिंग यूनिट इंडिया में तो हैं, बट ये इंडियन कंपनी नहीं है, है ना। रेनॉल्ड, निशान, MG मोटर्स, मर्सिडीज बेंस, मारुति सुजुकी, किया मोटर्स, इसुजू, ये ह्यूंडई मोटर्स का ही एक ब्रांड है, इसुजू मोटर्स, ह्यूंडई मोटर्स, होंडा कार्स, फोर्ड इंडिया, जीप इंडिया, सारी की सारी, वॉक्सवैगन, ये सारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में तो असेंबलिंग होती है बट इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो, दैट मीन्स कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, ये फॉरेन की है। अब ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करूँ, इंडिया में कौन कौन से ऑटोमोबाइल मार्केट हैं, तो बच्चों बेसिकली ऑटोमोबाइल मार्केट, या मैं बात करूँ टाइप्स की, बेसिकली इसको हम टाइप्स कह सकते हैं, व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल इन इंडिया, या ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इन इंडिया, ऑटोमोबाइल व्हीकल कौन कौन से हैं इंडिया में, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इसमें इंडिया में कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बच्चों कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि या तो वो टू व्हीलर्स है, ये भी हो सकता है, या तो वो पैसेंजर व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स है यात्रियों के लिए है, या तो कॉमर्शियल जैसे ट्रक हुआ, इंडस्ट्रीज हुई, या तो वो है, या फिर वो थ्री व्हीलर्स है, बेस्ड ऑन द व्हील्स ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, थ्री व्हीलर्स है। तो इसके बेस पे भी ऑटोमोबाइल के मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट जो इंडिया में, इस बेस पे भी हो सकते हैं, इट में भी टू व्हीलर्स, इट में भी थ्री व्हीलर्स, इट में भी फोर व्हीलर्स, इट में भी पैसेंजर व्हीकल्स, इट में भी कॉमर्शियल व्हीकल्स, ये कॉमर्शियल भी हो सकता है। और अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की जो इंडिया में बेसिकली हैं, उसको ज़रा देख लिया जाए एक इंट्रोडक्शन में, तो ये हमने सर्कुलर ग्राफ में दिखाया है कौन कौन सी कंपनियाँ इंडिया में, उनका मार्केट क्या है, या कौन कौन सी कंपनियों का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 18 का ये FY18 का ये डाटा है, फाइनेंशियल ईयर 18 का, इस समय में सुजुकी जो मोटरसाइकिल है वो 2.5% थी, आप इंडिया यामाहा जानते होंगे, यामाहा मोटर्स 3.9% कंट्रीब्यूशन है, टू व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट है आपकी 4% कंट्रीब्यूशन है, बजाज ऑटो 9.8%, और इन सब में सबसे ज़्यादा TVS मोटर्स कंपनी जिसका कंट्रीब्यूशन 14.2% है, और HMSI 28.6% है। इससे ज़्यादा जो आजकल सबसे ज़्यादा है वो आपको पता होगा क्या है, वो ये है बच्चों आपकी हीरो मोटोकॉर्प जिसका कंट्रीब्यूशन 36.6% है, सबसे ज़्यादा अमंग ऑल द टू व्हीलर्स द हीरो मोटोकॉर्प हैज़ having the maximum contribution, that is 36.6%। चलिए अब मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूँ, तो उसी तरह का हमने ग्राफ बनाया हुआ है सर्कुलर्स में, जानने के लिए कि पैसेंजर व्हीकल्स में किस किस कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं ह्यूंडई मोटर्स का 16.3% कंट्रीब्यूशन है, और उससे भी ज़्यादा मारुति सुजुकी 49.98% कंट्रीब्यूशन पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी का है सबसे ज़्यादा। बाकी आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.56%, टाटा मोटर्स 6.39%, AB 17-18 ईयर्स फाइनेंशियल का डाटा है हमारे पास, होंडा कार्स इंडिया 5.17%, टोयोटा किर्लोस्कर 5.27%, रेनॉल्ट 3.1%, फोर्ड मोटर इंडिया 2.73%, एंड अदर्स लाइक निशान, FCA, वॉक्सवैगन, स्कोडा, इसुजू 4.41%। तो ये डेटा है, कंट्रीब्यूशन है कंपनियों का पैसेंजर व्हीकल्स का इन इंडिया, जिसमें मारुति सुजुकी सबसे ज़्यादा सेलिंग कंपनी, या सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 49.98% कंट्रीब्यूशन के साथ। चलिए
अब कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करूँ तो कॉमर्शियल व्हीकल्स में हमको आपको डेटा नहीं दिखाना। बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल्स कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स आप जानते होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कॉमर्शियल व्हीकल्स क्या हैं बच्चों? तो कॉमर्शियल व्हीकल्स वो व्हीकल्स हैं जिनको हैवी लोड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अत्यधिक भार क्षमता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंतर्गत आते हैं, लोड कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, भार क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। अशोक लेलैंड, VECV, आईसर आपने सुना होगा, फोर्स मोटर्स, SML सुजुकी, PSGO व्हीकल्स, AMV मोटर्स, इसुजू मोटर्स, VECV, वोल्वो, ये सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं या हैवी लोड व्हीकल्स हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑटोमोबाइल, अब बात आती है कि ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन करना हुआ तो हम किस बेस पे करेंगे, है ना? क्वेश्चन बनता है कि ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन हम व्हील के बेस पे करें, लोड कैपेसिटी के बेस पे करें, फ्यूल कंजम्पशन या फिर फ्यूल यूज्ड के बेस पे करें। तो बच्चों आप कई तरह से हैं, जिस भी तरह से आपका मन है आप कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर फोर्ड मोटरसाइकिल्स है, जैसे कोई भी अगर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, तो अगर मैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं बच्चों? तो क्लासिफिकेशन हम कई तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर रहा हूं क्लासिफिकेशन, पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, प्रयोग के आधार पर, जैसे हम एप्लीकेशन के आधार पर या प्रयोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ करें तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ पे बच्चों हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज पे कि मोटरसाइकिल हो सकती है एप्लीकेशन के आधार पर, यूज के आधार पर टेम्पो हो सकता है, जीप हो सकती है, ट्रक हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पस लाइक ट्रैक्टर हो सकता है और क्रेन्स हो सकता है ना। तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन या तो वो टेम्पो हो सकती है, या तो वो जीप हो सकता है, या तो मोटरसाइकिल हो सकती है, या तो कार हो सकता है, या फिर ट्रक हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस ट्रैक्टर हो सकता है, या क्रेन्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरे एप्लीकेशन के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड फ्यूल यूज, क्षमता और ईंधन प्रयोग के आधार पर, मतलब कौन सा ईंधन होगा उसमें उसके आधार पर। तो उसके आधार पर अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के आधार पर बच्चों हमारे पास लाइट मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्यूल के आधार पर, बेस्ड ऑन द फ्यूल, तो हो सकता है डीजल या तो हो सकता है पेट्रोल। डीजल को हम CI इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, और पेट्रोल को हम लोग SI यानी स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। अब ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। तो अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन हमको पहिए के आधार पे करना है, बेस्ड ऑन द व्हील करना है, तो व्हील के आधार पर बच्चों क्लासिफिकेशन 4-5-6 तरह के हो सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, या तो वो टू व्हीलर हो सकता है, या तो वो थ्री व्हीलर हो सकता है, या तो फोर व्हीलर हो सकता है, सिक्स व्हीलर हो सकता है, 12 व्हीलर हो सकता है। बेस्ड ऑन द व्हील हम ये कह सकते हैं कि वो कितने टाइप से हो सकता है। तो व्हील के भी बेस पे हम कह सकते हैं कई तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर कहूँ, मतलब स्थानांतरण के आधार पर कहूँ, तो पावर का ट्रांसमिशन, इट शुड बी ट्रांसमिशन Not the transportation, it should be transmission. शक्ति पारेषण के आधार पर, based on transmission. तो transmission के आधार पर बच्चों या तो वो power के transmission के based पे, या तो वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव हो सकती है, या रियर व्हील ड्राइव हो सकती है, या ऑल व्हील ड्राइव हो सकती है। मतलब कि अगर आगे के दो पहियों में पावर का ट्रांसमिशन होता है डिफरेंशियल से,
मतलब इंजन टू एक्सल पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में है तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, और अगर रियर व्हील में है तो वो रियर व्हील ड्राइव है, और अगर चारों पहियों में ड्राइव है या सभी पहियों में ड्राइव है तो वो ऑल व्हील ड्राइव होगी। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन कि किस आधार पे हम कर सकते हैं, जैसे कि जो गियर होती है वो ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उसके आधार पे भी हम व्हीकल्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, सेमी ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल ट्रांसमिशन है, मतलब या तो आप पावर का ट्रांसमिशन मैनुअली कर रहे हैं, या तो आप सेमी ऑटोमेटिक कर रहे हैं, या तो आप फुली ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द पावर ट्रांसमिशन शक्ति पारेषण के आधार पर भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, या तो वो मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो सकता है, या तो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स हो सकता है, या तो फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल्स ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं एक, अब यहाँ पे चेसिस की बात करते हैं, तो चेसिस क्या होता है, व्हाट इज चेसिस, इन सब के अभी ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं तो उसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी अब हमारे पास है इम्प्रूवड है ना, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए तो सारी समस्याएं ख़त्म हैं ऑलमोस्ट, बहुत आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे सर वॉइस क्वालिटी नहीं सही है, सर साउंड नहीं आ रहा है, सर इको प्रॉब्लम है, तो सारी समस्याएं दूर करने के बाद ही दोबारा बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से फिर से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए तो चेसिस क्या होती है, तो ये रियर व्हील ड्राइव लेआउट दिखाया है, उसकी चेसिस है, आपका इंजन्स है, आपका इंजन्स नहीं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का इंजन्स, ये इंजन है, इंजन के बाद यहाँ एक टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है जैसा दिख रहा है, टॉर्क कन्वर्टर, ये पावर का ट्रांसमिशन करती है जो प्रोपेलर शाफ्ट भी कहलाती है, ट्रांसमिशन शाफ्ट या ट्रांसमिशन लाइन, और ये आपकी ड्राइव शाफ्ट, बेसिकली ये ट्रांसमिशन गियर मैकेनिज्म से भी कर सकती है तो गियर बॉक्स कह लेंगे, और यहाँ जो ड्राइव शाफ्ट दिख रही है ये प्रोपेलर शाफ्ट हो सकती है, और आपका ये डिफरेंशियल है जहाँ से पावर का ट्रांसमिशन सारे पहियों में इंडिविजुअल व्हील्स में हो रहा है, जिसको हम फाइनल ड्राइव होगा। तो अगर ये फ्रंट पोर्शन है व्हीकल्स का, अगर ये फ्रंट पोर्शन है तो ये क्या होगा, रियर पोर्शन होगा, तो पावर का ट्रांसमिशन अगर रियर के व्हील्स में है, पीछे के पहियों में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रियर व्हील ड्राइव, है ना। तो ये हमारी चेसिस के लेआउट है जो हमें दिखानी थी, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, शायद डायग्राम ना दिख रहा हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये आपका रेडिएटर है, रेडिएटर का काम क्या होता है, इंजन को कूल करना। ठीक है, ये आपका ये वाला पोर्शन इंजन है, ये आपका क्लच है, ये फिर गियर बॉक्स होगा सीरियल नंबर से, है ना, प्रोपेलर साफ जो पावर का ट्रांसमिशन इंजन टू डिफरेंशियल करेगा, है ना, ये आपका रियर एक्सल है, ये वाला पोर्शन ये आपका रियर एक्सल है, है ना। ठीक, ये आपका पेट्रोल टैंक्स है बैक साइड ऑफ या रियर पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, और ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है और ये साइड मेंबर्स है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स उसकी स्ट्रेंथ चेसिस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये आपके साइड मेंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, ये साइड मेंबर्स, कई साइड मेंबर्स में हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं चेसिस की स्ट्रेंथ सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो चलिए ये आपका चेसिस का लेआउट आपने देख लिया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है पावर का ट्रांसमिशन कभी आप फ्रंट व्हील में कर रहे हैं, कभी आप रियर व्हील में कर रहे हैं, कभी आप ऑल व्हील में कर रहे हैं, तो हम ऐसे व्हीकल्स को क्या कहेंगे कि अगर पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में है और पावर का ट्रांसमिशन रियर व्हील में है, या फिर पावर का ट्रांसमिशन ऑल व्हील में है, तो हम उसको कहेंगे क्या। तो बच्चों अगर पावर का ट्रांसमिशन, अगर पावर का ट्रांसमिशन, जस्ट अ मोमेंट,
अगर पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में है तो उसको फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे, और अगर रियर व्हील में है तो रियर व्हील ड्राइव कहेंगे, और अगर ऑल व्हील में है तो उसको फोर व्हील ड्राइव कहेंगे। ठीक है, तो पावर का ट्रांसमिशन अगर फ्रंट व्हील में है तो फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील में है तो रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील में है तो ऑल व्हील ड्राइव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव है क्या। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सारे पीपीटीज जो भी हैं जितने भी हैं थियरी पोर्शन को कवर कर ले रहा हूँ, और वीडियो लेक्चर्स भी इसी में इंक्लूड कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियोस में मेगा क्लास करके कर दूं, जिसमें पांचों लेक्चर्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, दो घंटे तीन घंटे के जो भी हो। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं फ्रंट व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या है कि फ्रंट व्हील अगर ड्राइव है तो पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में होगा। दैट मीन्स कि जो इंजन है, जो हमारा इंजन है बच्चों, वो फ्रंट व्हील साइड में ही होगा, और पावर का ट्रांसमिशन एक ट्रांसमिशन एक्सल के थ्रू फ्रंट व्हील को जाएगा। देख लीजिए, ये पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में है। तो अगर पावर का ट्रांसमिशन फ्रंट व्हील में है तो फ्रंट व्हील ड्राइव ये सारी की सारी फ्रंट व्हील है ना। अगर ये व्हीकल साइड है तो फ्रंट पार्ट ही होगा, है ना। नेक्स्ट, फ्रंट व्हील इंजन को ही दिखाएगा, पावर का ट्रांसमिशन केवल और केवल फ्रंट व्हील में है, फ्रंट व्हील साइड है। रियर व्हील में ड्राइव में क्या है, तो रियर व्हील ड्राइव में बच्चों जो पावर का ट्रांसमिशन है, इंजन तो फ्रंट में है आपका, क्योंकि ये फ्रंट साइड ऑफ द व्हीकल्स है और ये आपका फ्रंट व्हील है, तो जो पावर का ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स के थ्रू, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू रियर व्हील को जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियल से होता हुआ ये रियर व्हील को जाएगा, रियर के दोनों व्हील्स को डिफरेंशियल के थ्रू, तो इसको हम रियर व्हील ड्राइव कहेंगे, क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन इंजन से गियर बॉक्स से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू डिफरेंशियल से होते हुए व्हील्स को जा रहा है, तो वो हमारा रियर व्हील्स को जा रहा है, तो हमारा रियर व्हील ड्राइव होगा। चलिए, फोर व्हील ड्राइव में क्या है बच्चों, कुछ नहीं है। फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव में एक ही डिफरेंशियल होता था, या तो फ्रंट में या तो रियर में, लेकिन यहाँ पे आपके दो दो डिफरेंशियल यूज़ होंगे। देख सकते हैं, एक डिफरेंशियल यहाँ है हमारा और दूसरा डिफरेंशियल हमारा यहाँ है। क्यों? क्योंकि पावर का ट्रांसमिशन ऑल व्हील्स को जा रहा है, दैट मीन्स कि फोर व्हील्स को जा रहा है टू डिफरेंशियल शाफ्ट के थ्रू या टू डिफरेंशियल्स के थ्रू, जिसको हम फोर व्हील ड्राइव कह रहे हैं। हमारा इंजन एज यूजुअल यहीं होगा, फ्रंट डिफरेंशियल ये है और ये आपका रियर डिफरेंशियल है। दैट मीन्स इन ऑल व्हील ड्राइव वी आर गोइंग टू यूज़ द टू डिफरेंशियल मैकेनिज्म। डिफरेंशियल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, डिफरेंशियल मैकेनिज्म होता ये है कि बता दूँ थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए अगर व्हील है, अगर कोई टर्न ले रहा है, सपोज आप ये टर्न ले रहे हैं, तो इस टर्न में व्हील क्या होगा बच्चों, ये वाला व्हील तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये वाला व्हील इस सर्कमफ्रेंस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर हम दोनों व्हील्स को एक ही शाफ्ट से जोड़े हैं, तो ये कैसे हो सकता है एक व्हील कम रोटेट करे या कम लीनियर मोशन करे और दूसरा व्हील ज़्यादा करे। ये तभी पॉसिबल है जब बीच में आपने डिफरेंशियल दिया हुआ है। डिफरेंशियल जो व्हील जितना टर्न करना चाहे या जितनी ज़रूरत है या जितना लीनियर मोशन है उसको उतना प्रोवाइड करेगा, या डिफरेंशियल प्रोवाइड करने में, टर्न करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, डिफरेंशियल कहलाएगा। डिफरेंशियल के मैकेनिज्म को हम डिफरेंशियल जब पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। चलिए, तो टू डिफरेंशियल से ट्रांसमिशन वही है हमारा, ट्रांसफर केस भी वही है, फ्रंट ड्राइव शाफ्ट है, रियर ड्राइव शाफ्ट है, ये है ना। तो दो डिफरेंशियल इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑल व्हील ड्राइव या फोर व्हील ड्राइव। चलिए, तो फ्रंट व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो फ्रंट व्हील ड्राइव के सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, या एडवांटेजेस के पहले अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को वीडियोस दिखा दूंगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा, 22 स्लाइड्स तक आए हैं, कुछ वीडियोस के पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ना। चलिए, thank you.
चलिए अभी हमने देखा तो चेसिस, तो चेसिस को देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स के अब चेसिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा देख लीजिए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हो सकती है आपके, फ्रेम्स हो सकते हैं, सस्पेंशन सिस्टम हो सकता है, एक्सल हो सकता है, व्हील हो सकता है। तो हो सकता नहीं, होता है, ये कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम होता है कंपोनेंट्स में ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के। तो कंपोनेंट्स में कुछ जो ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ सिस्टम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं, सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आपके इन्हीं सिस्टमों में। तो उन्हीं सिस्टम्स को हम देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम मिनिमाइज करके आपको दिखा देते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे कुछ चल तो वीडियोस को थोड़ा देख लेते हैं हमने अभी तक जितना पढ़ा है। चलिए तो ये बेसिकली है, अभी हमने फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव पढ़ा, तो उसी को पहले देख लेते हैं। साउंड आप सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, या फिर आप, मैं पढ़ा दूं। पावर का ट्रांसमिशन इंजन से होते हुए, गियर बॉक्स से होते हुए, प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए व्हील तक को जाता है ना, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो अगर पावर का ट्रांसमिशन रियर व्हील्स को जा रहा है तो रियर व्हील ड्राइव, फॉर एग्जांपल क्लच होंगे, गियर बॉक्स होंगे, ट्रांसफर केस होगा आपका, डिफरेंशियल होगा, एक्सल्स होंगे और प्रोपेलर शाफ्ट्स होगा। इतने पार्ट्स के थ्रू या इतने पार्ट्स के थ्रू पावर का ट्रांसमिशन होता है। आप पावर का ट्रांसमिशन कितने वेज पे हो सकता है देख सकते हैं। अगर आप फ्रंट व्हील में पावर का ट्रांसमिशन है तो हम फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे, और अगर रियर के व्हील में है तो रियर व्हील ड्राइव कहेंगे, अगर फोर व्हील्स को है तो फोर व्हील ड्राइव कहेंगे, या ऑल व्हील्स, मतलब अगर कोई व्हीकल सिक्स व्हील्स है, एट व्हील्स है, तो सारे पावर का ट्रांसमिशन सारे व्हील्स में है तो ऑल व्हील ड्राइव होगी, है ना। मिड के इंजन्स में ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में, जैसे आपका ऑल्टो हुआ, ह्यूंडई हुआ, i10 हुआ, ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, जो जिसकी लोड कैपेसिटी कम होती है। और पैसेंजर्स कार्स में बड़ी गाड़ियों में जैसे स्कॉर्पियो हो गया, फोर व्हील ड्राइव है ना, तो रियर व्हील ड्राइव हैवी व्हीकल्स में, और ऑल व्हील ड्राइव हो सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो लाइट मोटर व्हीकल्स यानी LMV में होते हैं। ये आपको बेसिकली पार्ट समझाया, आप सुन लीजिए। बात करें तो एंजन से पावर क्लच में होके जाएगा गियर बॉक्स में।
फिर वहाँ पर गियरबॉक्स स्पीड को कम करके टॉर्क को बढ़ाएगा और उसे आगे प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए डिफरेंशियल में भेज देगा और डिफरेंशियल स्पीड को और कम करके टॉर्क को और बढ़ा देगा, जिसके कारण उस टॉर्क को व्हील्स के ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा। पता चल रहा है कुछ? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पावर का ट्रांसमिशन बेसिकली कहाँ कहाँ से होता है, इंजन, इंजन के बाद क्लच, क्लच से गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू यूनिवर्सल ज्वाइंट से, दो यूनिवर्सल ज्वाइंट या हुक ज्वाइंट कहते हैं इनको, इस्तेमाल होते हैं। ये यूनिवर्सल ज्वाइंट जब दो शाफ्ट्स आपके अलाइनमेंट में भी हो तो चलेंगे, तो प्रोपेलर शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो प्रोपेलर शाफ्ट है ये जिस जो दो यूनिवर्सल ज्वाइंट या हुक ज्वाइंट से जुड़ा है, यू भी यूनिवर्सल ज्वाइंट, और पावर का ट्रांसमिशन डिफरेंशियल के थ्रू ये व्हील्स और ये व्हील्स, मतलब रेयर व्हील्स के दोनों व्हील्स में ट्रांसमिट हो जा रहा है, ठीक है ना? जिसके कारण उस टॉर्क को व्हील्स के ऊपर ट्रांसमिट किया जाएगा और व्हीकल एफिशिएंटली चल पाएगा। फोर व्हील ड्राइव पावर ट्रेन में सभी व्हील्स को इंजन का पावर सप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर इंजन को फ्रंट माउंट किया हुआ होगा जिसके साथ जुड़ा होगा क्लच। देखिए, अब आपका फोर व्हील ड्राइव में एक डिफरेंशियल है, मतलब फ्रंट डिफरेंशियल, और ये आपका रियर डिफरेंशियल, इंजन फ्रंट पार्ट में होगा। इंजन से पावर का ट्रांसमिशन क्लच, क्लच से गियर बॉक्स, गियर बॉक्स से ट्रांसमिशन लाइन, प्रोपेलर शाफ्ट, दो यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू रियर व्हील्स में भी है और यहाँ भी दो यूनिवर्सल जॉइंट के साथ प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू फ्रंट व्हील्स में है। तो ऑल व्हील में पावर का ट्रांसमिशन यहाँ पे है। फिर आगे लगा होगा गियर बॉक्स, अब गियर बॉक्स के साथ लगेगा एक ट्रांसफर केस जिसमें से दो प्रोपेलर शाफ्ट निकलेंगे, उनमें से एक प्रोपेलर शाफ्ट फ्रंट डिफरेंशियल के साथ जबकि दूसरा रियर डिफरेंशियल के साथ जुड़ेगा। अब उन दोनों डिफरेंशियल से रिस्पेक्टिवली फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल निकलेगी जो कि व्हील्स के साथ कनेक्ट होगी। यहाँ पर इंजन का पावर क्लच में होके गियर बॉक्स में जाएगा जहाँ पर स्पीड कम और टॉर्क बढ़ेगा। अब गियर बॉक्स आके ट्रांसफर केस को पावर सप्लाई करेगा जो कि पावर को इक्वली फ्रंट और रियर डिफरेंशियल में डिवाइड करके सप्लाई कर देगा। अब डिफरेंशियल फाइनल रिडक्शन करके उन पावर को दोनों व्हील्स में ट्रांसफर कर देगी, यानी कि गाड़ी चारों के चारों व्हील्स में पावर सप्लाई करेगी और चलेगी। यहाँ पर ट्रांसफर केस में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पावर दो व्हील में सप्लाई करना है या फिर चार व्हील्स में। नॉर्मली फोर व्हील ड्राइव में पहले दो व्हील है, यानी कि फ्रंट दो व्हील कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं जबकि रियर दो व्हील्स ऑलवेज कनेक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको ड्राइवर कंपार्टमेंट में एक स्विच के साथ ऑप्शन दिया जाता है जहाँ जिसके साथ जुड़ा हो व्हील से ये पावर को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? हमने पढ़ लिया फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। चेसिस हमने देखा, तो चेसिस आपने अभी चेसिस के फॉर्मेट को देखा, हमने पढ़ाया ही है चेसिस। चेसिस हमने देख लिया, फ्रंट व्हील ड्राइव देख लिया, ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव, चेसिस के सारे पार्ट्स आपने देख लिए, है ना? तो चेसिस आपने देख लिया, चेसिस के पार्ट्स देख लिए सारे, बेसिकली चेसिस के कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब चेसिस के टाइप्स हैं कुछ, कन्वेंशनल चेसिस, है ना? तो देख सकते हैं आप चेसिस के टाइप्स क्या हैं, कंपोनेंट्स हो गए आप, बेसिकली चेसिस का टाइप्स मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए। तो चेसिस के बच्चों टोटल तीन टाइप्स हैं, पहला कन्वेंशनल, दूसरा सेमी फॉरवर्ड चेसिस और तीसरा फुल फॉरवर्ड चेसिस। तो कन्वेंशनल चेसिस क्या होती है बच्चों? तो कन्वेंशनल चेसिस, अगर ये ड्राइवर की केबिन है, ड्राइवर का केबिन के जस्ट सामने अगर इंजन होता है, या ड्राइवर की केबिन से ड्राइवर के केबिन के जस्ट सामने इन फ्रंट इंजन होता है तो उसको हम कन्वेंशनल चेसिस कहते हैं, है ना? कन्वेंशनल चेसिस में थोड़े से फ़ायदे हैं, ग्रिप अच्छी होती है, रोड पे रोड कंडीशन से हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है, कन्वेंशनल चेसिस में ही ड्राइवर्स का केबिन और ड्राइवर्स के केबिन के सामने जस्ट इंजन होगा, है ना? चलिए दूसरा देखते हैं। सेमी फॉरवर्ड चेसिस, तो बच्चों सेमी फॉरवर्ड चेसिस क्या है? तो सेमी फॉरवर्ड चेसिस में ये आपका ड्राइवर्स का केबिन है, ड्राइवर्स के केबिन के सेमी फॉरवर्ड मीन्स हाफ, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ इंजन इज फ्रंट और हाफ ऑफ द बिलो ऑफ ड्राइवर्स केबिन, मतलब इंजन का आधा भाग ड्राइवर के केबिन के बाहर और आधा भाग ड्राइवर के केबिन के नीचे होता है, इनसाइड्स ड्राइवर केबिन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी फॉरवर्ड चेसिस कहते हैं, ना? तो चेसिस के तीन, कन्वेंशनल, सेमी फॉरवर्ड, अब फुल फॉरवर्ड देख लीजिए आप।
फॉरवर्ड में इन फ्रंट होता है, सेमी में हाफ ऑफ द पर्सन ड्राइवर के केबिन के नीचे, हाफ ऑफ द ड्राइवर केबिन के बाहर होता है, ठीक है। अब फुल फॉरवर्ड में जैसे ये इंजन से बता रहा है, हाफ ऑफ द इंजन ऑफ इज फ्रंट ऑफ द ड्राइवर्स केबिन एंड हाफ ऑफ द बिलो द ड्राइवर्स केबिन। अब हम फुल फॉरवर्ड देख लेते हैं। फुल फॉरवर्ड केबिन क्या होता है बच्चों? अगर ये ड्राइवर का केबिन है तो ड्राइवर के केबिन के नीचे ही पूरा इंजन होता है, जिसको हम फुल फॉरवर्ड चेसिस कहते हैं। मतलब ड्राइवर्स इंजन इज बिलो द ड्राइवर्स केबिन, फुल पार्ट ऑफ द इंजन इज बिलो द ड्राइवर्स केबिन, जिसको हम फुल फॉरवर्ड चेसिस भी कहते हैं। तो तीन तरह के चेसिस, पहला कन्वेंशनल चेसिस। कन्वेंशनल में क्या होता है, जो इंजन होता है ड्राइवर की केबिन के फ्रंट में होता है, सामने होता है, सेमी फुल में या सेमी कन्वेंशनल चेसिस या सेमी फुल चेसिस क्या होता है, सेमी ऑटोमेटिक चेसिस क्या होती है बच्चों? तो ये जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड हो जाइए। सेमी फॉरवर्ड चेसिस क्या होती है? सेमी फॉरवर्ड चेसिस में जैसा कि हमने कहा, इंजन का आधा पार्ट क्या होगा, ड्राइवर के केबिन के सामने होगा, और आधा पार्ट इंजन का ड्राइवर के केबिन के नीचे होगा। अब फुल फॉरवर्ड चेसिस में क्या होगा बच्चों? तो फुल फॉरवर्ड चेसिस में जो इंजन होगा यहाँ पे इंजन है, इंजन ड्राइवर के केबिन के नीचे ही होता है। तो ये आपका चेसिस के टाइप्स हो गए, कन्वेंशनल, सेमी फॉरवर्ड और फुल फॉरवर्ड, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगले पार्ट्स में हम देखते हैं जो भी हमारे रिमेनिंग पोर्शन है उसको, ठीक है ना, देखते हैं जो भी रिमेनिंग पोर्शन हमारा बचा हुआ है। चलिए बच्चों, कोई डाउट होगा अभी भी या साउंड क्वालिटी अभी भी आपकी इम्प्रूव नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये हमारा बेस्ट साउंड क्वालिटी सिस्टम है जिसको हमने बहुत प्रयास किया इम्प्रूव करने का, उसके बाद ही इम्प्रूव हो पाई है, ठीक है बच्चों। चलिए।